सबसे पहले करीब 760-770 लोग जो अभी तक आ गए हैं उन सबका मैं भारत विकास परिषद जय भगवान की प्रेसर और हमारे साथियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और हमारे परमनीम गुरु जी जीवन भाई दवे, संपर्क गुरु जी श्री बिपिन भाई शाह, स्वागत स्वर्गस्थ बिपिन भाई शाह और अभी की हमारी गुरु जी श्रीमती माधुबेन मेहता, उनका स्मरण करके उनको वंदन करके आज का अपने फोर्थ वेबिनार का तीसरे दिन की हम शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हमारे जो हम जो बैठते हैं परिवार के स्वरूप में बैठते हैं, परिवार का सुख दुख हमारा सुख दुख है। तो हमारे परिवार में आज दो लोगों की जन्म तिथि है, हैप्पी बर्थडे है। वो जरा वीणा जी देखना, वो लोग आए क्या? जी गुरु जी। एक है प्रेरणा शाह और दूसरा है निमिष शाह, वो आए हैं। निमिष जी हैं, प्रेरणा जी नहीं है। नहीं, ठीक है। तो उनको मैं देव भगवान की ओर से, भारत विकास की ओर से और जो यहाँ पर जितने भी
पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है उन सबकी ओर से बहुत बहुत जन्म तारीख की शुभेच्छा देता हूँ। उनका जीवन में विकास हो ऐसी प्रार्थना में भगवान से करता हूँ। तो अभी शुरुआत में जो प्रश्न मुझे पास आया था लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है आज के माहौल में, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद होने से उनको मोबाइल पर लैपटॉप पर बैठ करके विद्या प्राप्त करनी पड़ती है, तो उसका रेडिएशन होता है इसका, मोबाइल का और स्लो लैपटॉप का, कंप्यूटर का और टीवी का, इस सबके रेडिएशन को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है जो आसानी से हो सकता है। एक मनी प्लांट आता है हर घर में होता है, अगर ना हो तो एक मनी प्लांट ला करके जिस कमरे में टीवी है उसमें अंदर लाने की जरूरत नहीं है, टीवी के कमरे में अंदर रहेगा तो चलेगा, तो टीवी का रेडिएशन पूरा वो एब्सॉर्ब करते हैं पत्ते। आप कहेंगे प्रूफ है, जरूर प्रूफ है, आप देखना कि टीवी के कमरे में जो टहनी है मनी प्लांट की उनके पत्तों का कलर और दूसरे रूम का पत्तों का कलर आप पाएंगे कि वो ग्रीनर है, ये थोड़ा सा ब्लैकिश ने सुपर आई, क्यों वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है। बहुत सादा प्रूफ ये हो गया टीवी के लिए। कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल बहुत ही सूक्ष्म रूप से होता है, मगर हम लोग बैठते हैं एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, अढ़ाई घंटा, तीन घंटा, तो उससे क्या होता है वो रेडिएशन हमारी आंखों को नुकसान करता है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए, एक प्लेट में बस्सी में थोड़ा सा पानी लीजिए और गाजर कैरेट कैरेट के पीस काट करके कितने 8-10 तो पानी में रख दीजिए, तो सारा रेडिएशन वो कैरेट के पीसेस होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं, फिर आप देखेंगे उसका कलर मालूम पड़ेगा। हर रोज नया लेना चाहिए, एक दिन में आप करेंगे तो फिर रात को निकाल देना है, उसको खाना नहीं फेंक देना और नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही करना, तो इससे रेडिएशन कम होगा। आंखों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, एक जो लोग सुन रहे हैं नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, एक पाउडर है बनाने का घर की चीजों का, वो पाउडर खाने से आंखों की जो नर्व होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जिससे हम देख सकते हैं, उसको क्या मिलता है पोषण मिलता है, उसका टॉनिक माना जाता है। क्या क्या चीजें, बहुत घरेलू चीज है, एक तो बादाम, बादाम आलमंड, दूसरा है चीनी मतलब के साकर शुगर, और तीसरा है सौंफ, ये तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लाए, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम अच्छी तरह कूट करके पाउडर बनाकर मिक्स करके रखना है। उसकी एक चम्मच क्या करना है जीभ पर रखकर चूसना है, एक दो मिनट में चूसना हो जाएगा, बाद में ऊपर एक कप दूध पीना है। ये करने से हमारी आंखों की नर्व रेटिना वगैरह को एक प्रकार का पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा और वो मजबूत रहेंगे, उसका फंक्शन सुधरेगा और आंखों के पॉइंट वगैरह तो है ही। ये महत्व का इश्यू मैंने ले लिया। अभी कल हमने टोटल 7 पॉइंट देखे, गले का, आंख का, कान का, कंधे का, फेफड़ों का, साइनस का, सर्दी जुकाम और रीढ़ की हड्डी स्पाइन। तो उसमें से साइनस के बारे में जो पॉइंट में देखे अंगूठे को छोड़कर बाकी उंगलियों में वो तो रिफ्लेक्स पॉइंट है, उसके स्थानिक पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव है। स्थानिक पॉइंट समझने पहले साइनस कहाँ पर होता है वो आप समझ लीजिए। हमारा साइनस एरिया ये हमारा मत्था गुजराती माँ का पार और वो फिर आधा चेहरा यहाँ तक का चेहरा दोनों तरफ आंखें और नाक, इतने एरिया में चमड़ी के भीतर एक प्रकार का खुला भाग है जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कैविटी, वो साइनस कैविटी कहते हैं। उस कैविटी में एक प्रकार का फ्लूड प्रवाही हमेशा प्रवाहमान है, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग निश्चित फ्लो, तो हम बिल्कुल तंदुरुस्त है। मगर उस प्रवाह में कोई किसी प्रकार की बाधा आ गई
अड़चन आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो प्रवाह रुक जाता है, और प्रवाह रुकने से हमें सिर दर्द हो सकता है, हमें छींके आ सकती है, नाक में से पानी आ सकता है, या नाक बंद हो सकता है, ऐसा करना पड़ता है, और कुछ लोग तो ड्रॉप वगैरह डालते हैं। तो ये साइनस के पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा 7 पॉइंट, उसको लेने से और पैर के पॉइंट जो बताए कल को लेने से कैसे लेना वगैरह आज प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। तो साइनस के पॉइंट अगर खुद लेना हो तो कैसे लेना वो आप देख लीजिए, मेरी कॉपी मत करिए, ये खुद लेने के लिए आप समझ लीजिए, फिर उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ, शुरू करता हूँ। ये दोनों उंगलियां इंडेक्स फिंगर्स का उपयोग करना है, हमारी आंख और नाक का कॉर्नर उसमें रखना है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, बिल्कुल कॉर्नर पे। और फिर क्या करना है, हथेलियों को, कोहनी को स्ट्रेट करना है, एकदम स्ट्रेट हो गया ना ऐसा, और दबाव कैसा, स्टेडी, एक एक सरीखा, एक समान दबा के रखना है, कितनी सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा 3 बार करना है, एक पॉइंट कवर हो जाएगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है, हमारे नाक में एक खड्डा है, खड्डा बाहर हड्डियों की जोड़ है, खड्डे में उंगली लगा करके 10 सेकंड छोड़ देना, हर एक पॉइंट 10-10 सेकंड 3 बार दबाना, दो हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे दोनों नासिकाओं के नीचे यहाँ पर है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा मसल करके, इसको कहते हैं रोटेटिंग प्रेस। फिर से याद रखिए, हर एक पॉइंट 10-10 सेकंड का 3 बार बिना बोले लेना है, 3 हो गए। चौथा पॉइंट गाल की हड्डी के नीचे बिलो द चीक बोन, उसमें बड़ा हिस्से 4 मिली लेना है, ये रखना है, और फिर क्या करना है, ऐसा घुमाना है, इसको कहते हैं रोटेटिंग प्रेस, कोई भी डायरेक्शन, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारी जो चश्मे की फ्रेम होती है उसके नीचे, ये टेम्पल एरिया, ये इसमें क्या करना है, क्या करना, ये ऐसा रखा, और फिर उसको खोल दूंगा, कितनी सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा 3 बार, नंबर कितना हो गए, 5। छठवा पॉइंट हमारे आईब्रोज पर, आईब्रोज उसको देने का 2 तरीका है, एक तो ऐसी उंगलियां बराबर रख करके उसको ऐसा घुमाइए, मगर इससे भी बेहतर प्रकार का प्रेशर है, इसको कहते हैं क्लचिंग प्रेशर, नॉट क्लचिंग, प्लग, प्लग, कैसे हम फूल को प्लग करते हैं, कैसे देखो, इस प्रकार 3-4 बार करेंगे तो छठवा पॉइंट भी मिल जाएगा। सातवा पॉइंट, वो हमारे भारत प्रदेश के बराबर सेंटर में, जहां पर हमारी महिलाएं तिलक लगाती है, बहनों जहां चाल लो करे से ध्यान, वो पॉइंट भी बड़ा है, इसलिए 4 उंगली ऐसे लेना है, 4 उंगली ऊपर रखना है, यहाँ लगा दिया, अंगूठे को लॉक कर दिया, और फिर घुमाया, कितना, 10-10 सेकंड, ऐसा 3 बार, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसा, ये 7 पॉइंट इसी क्रम में, इन दिस ऑर्डर ओनली दबाना है। फिर क्या करना है, वो 7 पॉइंट को एक साथ लेना है, जिसको हम कहते हैं साइनस साइकिल या साइनस सर्कल, कैसे जरा देख लीजिए, और वो होगा उल्टे क्रम में, इन रिवर्स ऑर्डर, देखो ये 7वां आ गया, फिर क्या करना है, देखो ऐसा 3-4 बार करेंगे तो 7वां पॉइंट दब जाते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फायदा होता है, पैर के पॉइंट तो लेंगे और ये पॉइंट लेंगे। लास्ट पे एक और एक्शन बाकी है, क्या करना चाहिए, साउथ इंडिया में जो भस्म लगाते हैं, वो भस्म कैसे लगाते हैं, उस प्रकार ईयर टू ईयर, देखो ये ऐसा करेंगे आप तो आप देखेंगे साइलेंस में बहुत ही फर्क पड़ेगा, साइलेंस में छींके बहुत आती है, नाक बंद होता है, वो सारी चीजें मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। छींकों की संख्या सुबह उठते होगी 25-50, तो कम होते होते 10-15, और हो सकता है कभी एक ही ट्रीटमेंट में छींक बंद भी हो जाए, इतना बढ़िया। तो ये पॉइंट को आप जरूर अपने आप पर ले सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। ये हो गया खुद लेने के लिए, पर दूसरों को लेना तो कैसे करना चाहिए, उसका एक्शन थोड़ा अलग है,
वो मेरी पुती पोती जो है कृति शाह, ये सारा टेक्निकल मैनेजमेंट करती है, उस पर बताता हूँ, कृपा करके आप देखते जाइए। किस प्रकार बैठना है, ऐसे भी नीचे ऊपर कहीं बैठ सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए ऐसे बिठाया है, और ये मस्तक जो है इधर सपोर्ट है। ओके, अभी क्या करना है देखिए, ये आप इसका भी आप कॉपी मत करिए, सिर्फ देखते जाइए दूसरे को कैसे देते, ऐसा हाथ रख दिया, दोनों उंगलियां वहां पर पॉइंट पर रखी, और कोहनी क्या की मैंने, ऐसा तीन बार करना है, दूसरा ये हड्डे वाला, तीसरा नासिकाओं के नीचे, चौथा यहाँ पर गाल की हड्डी के नीचे, पांचवा यहाँ पर चश्मे की फ्रेम के नीचे टेम्पल लाइन, छठवा सातवा, अभी इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पीछे से सपोर्ट ले लीजिए हाथ का, दूसरे हाथ से ऐसा दबाइए, ठीक है, और फिर क्या करना है, सातों पॉइंट साथ में कैसे, और हियर टू हियर, कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार ये दूसरों को कैसे देना वो मैंने आपको बताया, ये जरूर ये पॉइंट बहुत ही क्या कहते हैं, बिल्कुल सरल है, इजी है, और इतनी ट्रेनिंग से ये आप खुद ले सकते हैं। अभी आपको ताजुब होगा कि पुणे से एक महिला का फोन आया जो अटेंड कर रही है, उसको चक्कर की शिकायत थी, वो इतने ही कल जो पॉइंट दिखाया वो दिया तो उसको चक्कर बंद हो गया, अभी वो आने वाली आपको सामने बताएगी। तो आप बिना किसी घबराहट के पॉइंट जो जो बताए जाते हैं उसका उपयोग करिए, और उसका फीडबैक हमको दीजिए, ताकि मालूम पड़े कि भाई वो पॉइंट आप इतनी मात्रा में समझ पाए, ठीक है। उस ये छठे पॉइंट की बात हो गई, सातवां पॉइंट था रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी स्पाइन या गुजराती में करोड़, हमारे पीछे के हिस्से में है, क्या करती है वो, उसका दो काम है, एक काम है कि शरीर को सपोर्ट देना, इसलिए हम ऐसे बैठ सकते हैं, आपने देखा कुछ लोग ऐसे झुक जाते हैं क्योंकि वो स्पाइन का यूज ठीक से नहीं करते, बिल्कुल ऐसा तनकर बैठना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो शरीर को क्या देना, सपोर्ट देना सीधा रखने में, एक फंक्शन उसका है, दूसरा फंक्शन थोड़ा समझाने के पहले, हमारी जो जो प्रवृत्तियां होती है हर एक इंद्रियों की, वो प्रवृत्ति इंडिपेंडेंटली नहीं होती है, आंख खुद देख नहीं पाती है, कान सुन नहीं पाते हैं, नाक सुगंध नहीं ले पाता है, वो सारे कंट्रोल किए जाते हैं किससे, दिमाग से, ब्रेन से, और ब्रेन से कमांड छूटते हैं, वैसे मुझे भी कमांड मिल रहे हैं ऐसा बोलो वैसा बोलो, ऐसा करने के बाद फिर से वो इंद्रियां दिमाग को इंफॉर्मेशन देती है, ये हो गया अभी क्या करो ये करो, कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम चलती है, और उसकी जो स्पीड है इंपल्स की वो 170 माइल्स पर आवर, 170 मील की गति से वो काम चलता है। क्षेत्र कितना है, 5 फुट, 5.5, अमिताभ बच्चन तो 6 फुट, तो सोचिए आप कितने कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड संदेश पहुंच जाता है, वापस जवाब आ जाता है, इस प्रकार कार्य अपना चलते जाते हैं, देखने का, सुनने का, टच करने का, एनीथिंग। तो अभी कैसे होता है वो अरेंजमेंट क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम संदेश व्यवहार कैसे चलता है, तो अपने ब्रेन से दिमाग से इंग्लिश में नर्व सिस्टम चलती है, हिंदी गुजराती में ज्ञान तंतु, चेता तंतु वह कहते हैं उसको, वो तंतु बहुत ही सूक्ष्म है, बारीक है, हमारी आंखों से दिखते भी नहीं है, देखना हो तो माइक्रोबायोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो कितने कोमल होंगे, कितने डेलिकेट होंगे, आप सोचिए, वो कोई भी एक भी तंतु उसमें से टूटा तो वहां का कॉम्बिनेशन गया, समझो मैं उंगली हिलाता हूँ कितना हिला सकता हूँ, अगर ये उंगली का तंतु कहीं से बीच में ब्रेक हो गया, आई कैन नॉट, पैरालिसिस में ऐसा ही होता है, देखो
हाथ ऐसे ही रहता है, उठता नहीं है, उठाया तो गिर जाता है। तो ये डेलिकेट तंतुओं को कोई नुकसान न पहुंचे, उसकी हिफाजत हो, उसकी रक्षा हो, उसलिए कुदरत ने, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से क्या किया है, उन ज्ञान तंतुओं का रस्सी बना दिया। वो रस्सी दिमाग के पीछे से बात तो नहीं करती, वो रस्सी का भी रक्षण हिफाजत करना चाहिए। तो वो जो है इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड वो अपनी जो स्पाइन की बात करें उसमें से पास होता है, इसलिए उसको रक्षण मिल जाता है। वो रक्षण करने के लिए एक स्ट्रेट कंटिन्यूस पाइप नहीं बनाई, और कंटिन्यूस पाइप बनाते थे हम लोग रॉबर्ट हो जाते थे, उसके अलग अलग मंके हैं। तो वो स्पाइन का ढांचा क्या है मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा भी है, कृपा करके आप तो देखते जाइए, और अगर नोट करना है तो नोट करते। हाँ दिखता है वीणा जी, वीणा आप देख सकते हैं? हाँ गुरु जी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नजीक ले लेना और नजीक, बस ठीक है अभी। हाँ ठीक है। हाँ ये सेक्शंस ऑफ स्पाइन, हिंदी में रीढ़ की हड्डी के विभाग। सबसे पहला विभाग है सर्वाइकल, इंग्लिश में, हिंदी में गर्दन, उसमें सात पंखे हैं। दूसरा विभाग है थोरासिस, THORACIC, पीठ, उसमें 12 मनके। तीसरा विभाग है लंबर, लंबर मतलब कमर, अपनी कमर में 5 मनके हैं, 5 छोटे। इसके नीचे का हिस्से को सैक्रम कहते हैं। सैक्रम क्यों कहा? क्योंकि वो मनकों का आकार ऐसा त्रिकोण जैसा है, इसलिए उसको त्रिकास्थि कहा। अस्थि मींस हड्डी, उसमें 5 मनके हैं। लास्ट मनके, 4 मनके अपनी गुदा के पास है। गुदा के पास होने से उसका नाम क्या रखा? उदास्थि। उदास्थि के 4 मनके हैं, टोटल 7, 12, 5, 5, 4 33 मनकों की हमारी ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, 33 वर्टेब्रा। ठीक है, तो इस प्रकार ये उसका हो गया। अभी थोड़ा सा 2 मिनट में आपसे कहना चाहूंगा कि एक हमारी रीढ़ की हड्डी सही रूप से काम करे, अच्छी तरह काम करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसका सदुपयोग करना चाहिए, अच्छी तरह यूज करना चाहिए। हम लोग खास करके उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, इंग्लिश में मिसयूज करते हैं। कैसे? हमारा बैठने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, सोने का तरीका, काम करने का तरीका, वो सब गलत होने से, इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग पोस्चर्स। पोस्चर्स अगर अपने ढंग अपना गलत है तो स्पाइन में खराबी शुरू होती है। सबसे पहले बैठने की बात, बैठने के लिए हम लोग ऐसा बैठेंगे ना, मजा आता है, मगर उसका पूरा लोड कमर पर जाता है, और ऐसा बैठने से कमर खराब हो जाती है। तो वो खराब न हो इसके लिए बैठना जरूर है, मगर ये जो हिस्सा है अपना, वो हिस्सा पीछे की तरफ जो बैकरेस्ट है उस पर टच हो जाए, टच हो गया। देखो अभी मैं बैठा हूँ, पूरा सपोर्ट लिया है, मगर मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा है? सीधा स्ट्रेट। ऐसा बैठने से क्या होता है? उस पर लोड आता है। कृपा करके ऐसी कंडीशन में कहीं भी आप कार में, बस में, घर में, कुर्सी में ऐसा बैठने की कोशिश करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी चले। ये रीढ़ की हड्डी बार बार झुकने से खराब होती है। अपना जो कंप्यूटर लेवल है वो अगर ठीक ना हो, बार बार नीचे झुकना पड़ता है तो रीढ़ की हड्डी खराब होती है। वॉश मशीन, हम लोग जो हाथ मुंह धोते हैं वहां पर उसका लेवल ठीक नहीं हो, ज्यादा झुकना पड़ता है तो लोड पड़ता है। तो ये सारे तारों का लेवल सही कर ले तो अपनी स्पाइन बहुत अच्छी तरह चलेगी। अगर स्पाइन सही चलेगी तो स्पाइन अच्छी रहेगी, नॉट ओनली स्पाइन, हमारा आरोग्य और हमारा आयु दोनों ठीक होते हैं रीढ़ की हड्डी के सदुपयोग से। तो कृपा कर इसका ध्यान रखें। अभी रीढ़ की हड्डी के मन के एक एक नीचे आए हैं, एक एक नीचे। हमारे मूवमेंट चलने चलने से क्या होता है? उसमें घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन, और दर्द होगा। वो न हो इसलिए भगवान ने, कुदरत ने कितना ख्याल किया है, दो मनकों के बीच में एक बहुत अच्छी सॉफ्ट मुलायम गादी रखी है। इसको हिंदी में गादी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क कहते हैं, और वो डिस्क भी बराबर इन अलाइनमेंट व्यवस्थित रूप से रखी है। किसी कारण से वो डिस्क थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, बाहर आ गई, अंदर चली गई,
डॉक्टर कहते हैं एक्सरे निकाल कर MRI निकाल के कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है, हिंदी में आपकी गादी खिसक गई है और फिर हार्ड बेड में सोइए आराम करिए वगैरह कहना पड़ता है। तो अगर सही रूप से अमर रीढ़ की हड्डी का उपयोग करेंगे ऐसी नौबत कम होगी, बैठने उठने का सोने का, सोने के लिए आजकल पैसे बढ़ते हैं ना आदमी के पास, तो क्या लाते हैं वो फॉर्म का बेड बनाते हैं, फॉर्म इतना नरम होता है ये स्पाइन अपनी बिल्कुल शेप खराब हो जाता है और हरेक अनेक प्रकार के रोग रह जाते हैं। तो सोने का अपना जो है बेस्ट चीज है, अपना जो कॉटन मेट्रेसेस रुई की गादी होती है वो बेस्ट है, उसे सोना चाहिए। जितनी हो सके उतनी कड़क में आप सोएंगे तो स्पाइन का जो हिस्सा है वो ठीक रहेगा और खराब नहीं होगा। इतनी स्पाइन की बात की, अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। कृपा करके सुनिए, आपको सिर्फ सुनना है और जो कुछ अगर आपको लगे कि नोट करना है तो कर सकते। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझाते हुए आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि हम जो नियम बताए थे पहले दिन वो नियम क्यों, उसका साइंटिफिक रीजन भी आपको मिलेगा। तो शॉर्ट में हम मुंह में खाना रखते हैं, चबाते हैं नहीं चबाते हैं, गले में जाता है उतना हमें मालूम है, आगे क्या होता है मालूम नहीं, फिर भी होता है क्योंकि वो कैसी सिस्टम है, इनवॉलेंटरी अनैच्छिक है, अपने आप काम करती है। ठीक है, मुंह में रखकर चबाना चाहिए ऐसा मैंने बोला था, कितने बार 35 times, 30 to 35। क्यों समझाता हूं, ज्यादा चबाने से हमारे मुंह के जबड़ों में ऊपर के नीचे के जबड़ों में लार ग्रंथियां होती है, सेलिवरी ग्लैंड, उसमें से जो रस निकलता है वो क्या करता है, हमारे खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, कांजी है, उसका ग्लूकोज में रूपांतर करता है। ये कार्य शरीर में और कहीं नहीं होता है, अगर आप चुक गए तो गए, इसीलिए खूब चबा करके खाना खाना चाहिए, ये लाभ लेना है। और ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा कहा था धीरे से खाना चाहिए, प्रसन्नचित से खाना चाहिए, उसमें क्या होता है समझाता, गले में खुराक गई, गले के भीतर हमारी दो नलियां हैं, एक नली को कहते हैं अंडा नलिका इसोफेगस, दूसरे को कहते हैं विंड पाइप या श्वास नलिका, दोनों है पर खुराक प्राय अन्नलिका में ही जाता है। क्यों, जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नलिका पर एक छोटा सा पर्दा ढक जाता है, इसलिए खुराक उसमें नहीं जाती। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं, हरी रश, तो वो हरी या रश करने से, जल्दी करने से क्या होगा, वो ढक्कन बंद होने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है और अंदर का एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा कण श्वास नली में जाने की कोशिश करता है, जाता नहीं, कोशिश किया तो जोर से बाहर फेंका जाता है। ऐसा जब होता है हम कहते हैं हमारे मामा ने, हमारे चाचा ने, हमारे चाची ने याद किया, कोई याद नहीं करता है। अब बिल्कुल शांति से धीरे से खाएंगे तो खुराक बाकायदा अंदली में ही जाएगा और उस तकलीफ से बच जाएगी। अंदली में खुराक गया, अंदली का काम है खुराक जो गले में आया है उसको स्टमक तक, पेट तक पहुंचाने का, उतना ही पर वो काम बहुत ही सही ढंग से करती है। उस जो करने का तरीका है, सिस्टम है, उसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक एक्शन, पेरिस्टाल्टिक एक्शन, हिंदी में आकुंचन लहरी, इसका मतलब नली क्रमशः विकसित से कुटती है। तो फर्क यहाँ आया, फिर विकसा, फिर नीचे गया, फिर बंद हुआ, ऐसे धीरे धीरे क्रमशः ग्रेजुअली खुराक गले से हमारे स्टमक में पहुंचता है। ये तो क्या होता था, जैसे हम खाएंगे ना स्टमक में गिरेगा पत्थर की तरह और उसका नुकसान होगा, दर्द होगा। तो कुदरत ने देखिए, कुदरत भगवान ने, मैं तो भगवान ही कहता हूँ, कितना हमारा ख्याल किया है। स्टमक में पहुंच गया, खुराक स्टमक में पहुंच गया, फिर क्या होता है, उसका बिलौना होता है, चर्निंग होता है। तो चर्निंग होने के लिए एक नियम दिया था कि भाई खुराक पेट की जितनी क्षमता है उसे कितना खाना चाहिए, 75%। अगर आप छाछ बनाने टाइम पूरा बर्तन भर देंगे तो छाछ सही नहीं होगी, इसलिए थोड़ा भाग खाली रखना है ताकि अच्छा चर्निंग, उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम मिल जाते हैं, अनेक प्रकार के पाचक रस मिलते हैं और 3-3.25 घंटे तक खुराक का क्या होता है, पाचन होता है। कहाँ पर,
अपने जठर में, उदर में, पेट समझिए। अच्छा फिर क्या है, एक प्रक्रिया 3-3.5 घंटे चलती है। एक नियम दिया था, एक बार खाना खाया कि दूसरी बार खाना खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का अवकाश हो, 6 घंटे नहीं तो 5 घंटे, 4.5 घंटे, 4 घंटे, 3.5 घंटे के पहले खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्या होगा, वो जो लॉट अंदर गया है पूरा हजम हो जाके आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा खुराक जाएगा। नहीं तो अगर वो खुराक पेट में है और दूसरा खाएंगे न तो आगे वाला खुराक हजम होगा न पीछे वाला, इसलिए इनडाइजेशन, गैसिस, एसिडिटी सब हो जाता है। इस पेट में ऐसा हुआ, खुराक आगे बढ़ी, पाचन होके उसके दूसरे सिरे पर जो जुड़ा है उसको कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा है स्मॉल, पर उसकी लंबाई 21 फुट है, 21 फीट लॉन्ग। फिर उसको स्मॉल क्या कहा, उसकी जो चौड़ाई है वो आधा इंच। तो उसमें खुराक को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन ऑफ फूड, इंग्लिश में, हिंदी में खुराक को आत्मसात करना, मतलब कि शरीर में रसकस मिले उस स्वरूप में लाने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। वो क्रिया करने के लिए 2-3 हेल्प आती है, एक तो आंतों में से ही अंतरस आता है, पैनक्रिया स्वादुपिंड से स्वादुरस आता है, लीवर से बाइल आता है, और वो खुराक को अच्छी तरह से आत्मसात करने जैसा बना दिया। ये कहाँ होता है, छोटी आंतों के पहले 10 इंच के ड्यूओडेनल कहते हैं उस भाग में होता है। फिर जो खुराक आगे बढ़ती है उसमें केवल पानी और वेस्टेज है, वो खुराक आगे बढ़ती है। और छोटी आंत जहाँ पूरी होती है वहां बड़े आंत या कॉलन शुरू होती है, उसमें खुराक चली जाती है। अभी आप सोचिए, हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं, लेटते हैं, तो बड़ी आंतों में गई हुई खुराक वापस आ गई तो क्या होगा, आगे की इससे अच्छी खुराक है, ये गंदी खुराक आ गई। ऐसा न हो इसलिए कुदरत ने, भगवान ने व्यवस्था की है, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक वाल रखा है, वो वाल को ये सिकल वाल कहते हैं, उसके बारे में कल ज्यादा बात करेंगे। अभी वो खुराक को एक बार बड़ी आंतों में गया, वहां से वापस आने से रोक देता है, समझो ये वाल है, तो खुराक एक बार यहाँ से चली गई, खुल गया, फिर यहाँ से किसी भी हालत में खुलता नहीं, ये सिकल वाल है। उसके बगल में एक अपेंडिक्स है जो बाहर के अनवांटेड जीवाणुओं को मारता है, और जब ज्यादा गलत सलत खुराक खाने से उसमें सूजन आती है तो डॉक्टर कहते हैं आपको अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिस कहते हैं, अंतर्भुज कहते हैं। बड़े आंतों में खुराक जाती है, बड़े आंतों के बारे में उसका बात, बड़े आंत है मगर उसकी लंबाई केवल 6.5 फीट है, ओनली 6.5 फीट, मगर उसकी चौड़ाई 2 इंच होने से उसको बड़े आंत कहे। बड़े आंत में जाकर के एक बड़े आंत का एक जो एंड है वहां पर सिग्मोइड नाम का एरिया है जो ऐसा टेढ़ा हुआ है उसमें जाती है, उसमें कभी कभी फंस भी जाती है तो हमें कब्ज होती है। वहां से खुराक जो मतलब के शेष भाग बाकी बचा, पानी सारा बड़े आंतों की दीवारों में सोख लिया गया, वो जो मल के रूप में जो हुआ वो सिग्मोइड से कहा जाता है मलाशय में। मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं, मलाशय में वो जमा रहता है, जब हम टॉयलेट जाते हैं गुदा के द्वारा निकल जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया होने के लिए नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड 36, 36 घंटों में सारी प्रक्रिया होती है। और गले से लेकर के गुदा तक का जो अन्न मार्ग है डाइजेस्टिव ट्रैक, उसकी लंबाई टोटल 9 मीटर है। इस प्रकार एक खुराक के बारे में मैंने आपको बताया, आज काफी चीजें देखना है। अभी हमारे दीपक भाई रेडी बैठे हैं, वो आपका कल का प्रैक्टिकल 7 पॉइंट का बताएंगे, और आज का जो मैंने वर्णन किया वो पैर में दिखाता हूँ, ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाला तलवा है, लेफ्ट फिर बताए तरह जी गुरुजी।
स्क्रीन शेयरिंग के लिए दे दीजिए। हाँ जी, तो सभी से मेरा प्रश्न है, जितने भी लोग 800 लोग कितने जुड़े हैं सबको ये आपके स्क्रीन पर दिखता है मीना जी? जी जी गुरुजी, दीपक भाई सबको दिखता होगा, ये बहुत क्लियर है। ये हमारी वीणा बिटिया, ये हमारी कृति बिटिया, सबने मिलकर के व्यवस्था की है, तो आपको बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, इधर देख सकते हैं। तो अभी ये देखिए, ये वाला जो है लेफ्ट पैर में हमारा स्टमक का हिस्सा है, इसमें पैनक्रियास है, ऊपर लिखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर ये हाँ, ये लेफ्ट में है और थोड़ा सा हिस्सा राइट में भी है, पर बताया नहीं है। फिर आप देखिए कैंटिलीवर, अच्छा ठीक है, तो ये जो बताया है चल रहा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसा थोड़ा गड़बड़ होती है, तो अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, ये राइट पैर के तलवे में ऐसा यहाँ से लेकर 5 4 3 2 और एक R2 लाइन के पास जो जाता है बड़ा एरिया, वो कल आपको दिखाएंगे, उसको लीवर कहते हैं, वो केवल राइट में है। उसके बीच में एक गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय का हिस्सा है, वो भी यहाँ है, कल आपको दिखाएंगे। और वो ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, 10 11 और 12 नंबर का पॉइंट दिखाए, 12 नंबर का पॉइंट यहाँ पर है, बीच में, यहाँ पर गोल डायफ्राम लाइन के बीच में। हाँ, वो सोलर प्लेक्सस सूर्य केंद्र है। तो पहले ये चीजें आपको प्रैक्टिकली भाई दीपक भाई दिखा देंगे, फिर वापस आके हम आगे देखेंगे। दीपक भाई सोने जी, मॉडल पर दीपक भाई सोने जी, जय भगवान, जय भगवान। आवाज नहीं आ गया गुरु, आवाज आ रहा है? अभी आ रही, कल का और आज का दोनों का। जय भगवान, कल का और आज का दोनों का। अच्छा, पहले 7 पॉइंट और आज के 5 और 12 पॉइंट। जरूर, थैंक यू। जय भगवान, आप सभी पार्टिसिपेंट का जय भगवान एक्यूबेस तरफ से आपका स्वागत है। और मैं, मेरे साथ मेरे भाई साहब बैठे हैं, तुलसी भाई वो हमारे कैमरा मैन है, और मेरी सिस्टर बैठी है, उसके पैर में आपको मैं लाइव डेमो बताऊंगा। तो अभी बोर्ड नहीं, हम एक्चुअल पैर देखेंगे, पैरों में कैसा है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट, पूरा क्लोजअप करके बताता हूँ। गुरु जी ठीक है अभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। हाँ, ये मेरी सिस्टर है गीता बहन, उसके बाद मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। पहले हम देखेंगे पैर, देखेंगे ये लेफ्ट पैर है और ये राइट पैर है। जो लेफ्ट साइड में जो भी ऑर्गन आते हैं वो लेफ्ट पैर में होता है, और जो राइट साइड में ऑर्गन आते हैं वो राइट में होता है। तो आपके जो चित्र देह हैं वो आपके चित्र, आपके पैर नहीं है,
सामने वाले व्यक्ति के पैर है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अभी हम देखेंगे जोनल लाइन, पांच जोन है जैसे गुरुजी ने बताया था। तो अंगूठे से और दोनों बीच में अंगूठा, पहला अंगूठा से पूरी लाइन करेंगे ना, ये पूरा पार्टिंग करते ना, ये पहला एरिया है इसको हम जेड वन फर्स्ट जोन, और दूसरी अंगुली से बराबर नीचे का हाथ सा पूरा ये जेड टू जोन, ये जेड थ्री जोन और जेड फोर और जेड फाइव, दोनों पांच पांच जोन हमारे लेफ्ट में भी है राइट में भी है, और पूरा जो अपना अंगूठा है उसमें सभी जोन आ जाते हैं। इसके लिए गुरुजी ने कल बताया था पूरा अंगूठा हमारे सिर का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हम वर्टिकल लाइन हो गए, अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, आर वन, आर वन लाइन, डायफ्राम लाइन। अभी देखिए डायफ्राम कैसा बनेंगे, ये भाग है ना कड़क है, हार्ड है सब लोग को, और ये भाग है नरम भाग है। तो हार्ड और नरम की जो बॉर्डर है वो आर वन लाइन है, बराबर, इसको उदर पटल लाइन या डायफ्राम लाइन कहते हैं। और बराबर उसके नीचे दो उंगली पेशेंट की रख के ड्रॉ करेंगे तो वो आएगी कमर की लेखा वेस्ट लाइन। फिर एडी, आपको सबको मालूम है एडी कहाँ है, ये आएगी हील लाइन तीसरी आर थ्री, और एडी और बीच का बराबर मध्य में आएगी आर फोर लाइन, आएगी साइटिकल लाइन। इसी तरह दोनों पैरों में हमारे चार रेफरेंस लाइन और पांच जोन आ जाएंगे। तो हमारे 5, 10, 15, 20, 25 बॉक्स ये पैर में है, 25 बॉक्स ये पैर में है। ये मैंने आपको ड्रॉ किया है आपको दिखाने के लिए कि आपको ड्रॉ करना नहीं है, कि हमारे एक्यूरेसी हम कैसे लावे, पॉइंट्स की एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है। तो 25 जोन इसमें है, 25 इसमें है। अभी आपको गुरुजी रोज पॉइंट बताते जाएंगे, बोलेंगे आर वन के ऊपर, आर टू के नीचे, थर्ड जोन में, ऐसा ग्राफिकली आपको याद रखना है, फिर वहां पर आपको पॉइंट लोकेशन बताएंगे। अभी हम पांच जोन हो गए, अभी पॉइंट नंबर वन है गला, थ्रोट, गले का पॉइंट, ये पॉइंट नंबर वन, अंगूठा जहां मुड़ता है वो है पॉइंट नंबर वन थ्रोट। फिर पॉइंट नंबर टू आंख, आंख जो है हमारे थर्ड और फोर्थ जोन में आती है, तो आंख के रूट में, सॉरी दूसरी और तीसरी के रूट में जो पॉइंट है ना वो आंख का पॉइंट है। फिर चौथी और पांचवी के मूल में जहां बेंड होती है ना उंगली, देखिए वो पॉइंट है, दोनों ईयर का पॉइंट है, थ्रोट आईस ईयर। और आर्म शोल्डर का पॉइंट देखेंगे, आपकी कट कट होते हैं ना शोल्डर की कट, यहां से लेके ऐसा कर्वेचर आएगी कहां तक, डायफ्राम लाइन तक, अपने शर्ट की जो कट होती है ये शेप की होती है, ये हमारा हुआ आर्म शोल्डर का पॉइंट, एक नंबर थ्रोट आईस ईयर्स आर्म शोल्डर। और बीच में दूसरा तीसरा चौथा जोन में से ड्रॉप करेंगे, ये हमारे फेफड़े की लाइन, लंग्स की लाइन है, लंग्स के पॉइंट है। फिर नंबर छह है साइनस, टिप्स ऑफ द टोस, सभी उंगलियों के ऊपर के बाद, ये है साइनस के पॉइंट छह नंबर। और सात नंबर जो है रीड की हड्डी, नाखून के रूट से लेके आप देखेंगे ना पूरा यहां तक साइटिका लाइन तक, इसके दो तरीके हैं, एक हड्डी की बॉर्डर है, हड्डी की बॉर्डर जहां चलती है वो स्पेन का पॉइंट है, अथवा आपके पैर में चेंज ऑफ स्किन ऑफ द कलर, स्किन का कलर जहां चेंज होता है वो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आएगी स्पाइन की पॉइंट। आप इसका शेप देखेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके बराबर शेप ऐसे ही लगती है, उसकी शेप ऐसे शेप है ये। अभी हम पॉइंट देंगे हम आपको, उसके पहले हम लोग रिलैक्सेशन करते हैं, वो रिलैक्सेशन में आपको बाद में बताता हूँ, उसके पहले आपको सब पॉइंट बता देता हूँ कैसे हमें पॉइंट देना है। अभी आपको कल मैंने एक चार्ट भेजा था, उसमें लिखा था मैंने टाइप ऑफ प्रेशर्स, तो आप टाइप ऑफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत समझ का इजी है और पॉइंट देना बहुत इजी है। क्या करना है, एक नाम एक पता है, पहला है स्टेडी प्रेशर, स्टेडी क्या करना है, सपोर्ट रखिए, अभी मैं इसको अंगूठे से प्रेस कर रहा हूँ प्रेशर नहीं आएगा, तो सपोर्ट रखिए इसको प्रेस करके दबाइए, ऐसा ही हमेशा एक्यूप्रेशर में एक अंगूठे से दबाने दूसरे का सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट होगा नहीं, ऐसा सपोर्ट रखिए फिर प्रेस करिए। प्रेस कैसा करेंगे, देखिए आपका अंगूठा है ना ऐसा बेंड करिए 90 डिग्री, आप पानीपुरी तोड़ते ना पानीपुरी कैसे तोड़ते ना ऐसा 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 टाइप को प्रेशर देंगे तो आपके हाथ में प्रेशर नहीं आएगा, आपका प्रेशर खाली बेंड पे आएगा। तो सपोर्ट रखिए उसको, जब प्रेस करिए 10 सेकंड तीन बार वे छोड़ दीजिए। ये पॉइंट करने से गले की खराश, गले में इन्फेक्शन हो, दिस पॉइंट इन्फेक्शन इन द थ्रोट और
वोकल पॉइंट कि स्वर में तकलीफ हो, बात करने में तकलीफ हो, गला बैठ गया हो, आवाज नहीं निकलती हो, उसका भी पॉइंट देंगे, ये पॉइंट देंगे तो आपको इसमें बहुत रिलीफ होगा। ये हो गया पॉइंट का एक नंबर पॉइंट गला। दूसरा आंख, सेकंड एंड थर्ड के रूट पे उप स्टडी प्रेशर सपोर्ट रखिए, दबाइए 10 सेकंड तीन बार। इसमें आंख में तकलीफ हो, जो भी कंजर्वेटिव हो, आंख से पानी निकलता हो, तो ये पॉइंट दबाने से आंख में बहुत इफेक्टिव होता है। इसको हम रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं। आंख के पॉइंट हम यहाँ दबा सकते हैं। आप गला किसका दबा नहीं सकते हैं, पर आप अंगूठे में किसका गला दबा सकते हैं। पैर के अंदर दबाइए, आपसे अंगूठे गला दबाए, इसी तरह आंख को किसकी भी दबा सकते हैं। यहाँ पर ये आंख का पॉइंट हो गया। अभी तीसरा ईयर, कान, चौथी और पांचवी के रूट में यहाँ स्टडी प्रेशर सपोर्ट रखा, प्रेस किया 10 सेकंड तीन बार, सपोर्ट रखा 10 सेकंड तीन बार, फिर इसको करेंगे। कान में रिंगिंग इन द ईयर्स, कम सुनना हो, कान में तकलीफ हो, पानी भर गया हो, कुछ भी तकलीफ हो कान के रिलेटेड, तो ये पॉइंट देने से तुरंत उसमें राहत मिलती है। अभी हम पॉइंट देखें शोल्डर, आर्म शोल्डर। अभी शोल्डर में क्या होता है, इसका फ्रोजन शोल्डर होता है, हाथ ऊपर जाता नहीं है, शोल्डर पेन होता है, तो हम ये लाइन के ऊपर पॉइंट दबाएंगे ऐसी तरह थंब वॉकिंग करके पूरा बॉर्डर के ऊपर दबाते जाएंगे, तो शोल्डर में जो प्रॉब्लम होगा, शोल्डर में जो तकलीफ होगी, इसमें उसको राहत मिलेगी। ये भी हम तीन चार बार ऐसा दबाते जाएंगे स्लोली बाजू बाजू में ऐसा ही। ये हो गया आर्म शोल्डर। नंबर पांच लंग्स। अभी एरिया बहुत बड़ा है, हमारा स्टडी प्रेशर कुछ काम आने वाला नहीं है, तो इतना एरिया बड़ा है तो हम इसको देंगे एक आपको प्रेशर लेकर नकल प्रेशर, नकल मुट्ठी लगा के इसको सपोर्ट रखिए, ऐसे सपोर्ट रखिए, इसको घुमाइए, तो लंग्स का पॉइंट देने से लंग्स एक्टिव हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। जैसे आपको मालूम है, अभी हाल में सबको जरूरी है पॉइंट, मैं आपको सभी को गुजारिश करता हूँ, आप लंग्स का पॉइंट आप डेली लीजिए, तो उससे आपको आपकी जो SpO2 लेवल है वो बढ़ती जाएगी, तो उससे आपको जब भी जो हमारी जो आजकल जो बीमारी चल रही है जिसमें बहुत कम हो जाती है, आप ये पॉइंट देते रहेंगे तो आपका लेवल मेंटेन रहेगा और आप सुस्त एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये पॉइंट मैंने हॉस्पिटल में एक पेशेंट को हमारी दी थी, मैंने रिलेटिव को, तो मैंने सब ये ऑब्जर्व किए मॉनिटर के ऊपर, ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है ये देना, ये लंग्स के पॉइंट है। फिर साइनस, टिप्स ऑफ द टोस। अभी ये हार्ड है तो छोटी उंगलियों क्या है, तो क्या करना है, स्टडी नहीं सकते, रोटेटिंग प्रेशर आपको लिखा है, सपोर्ट करके रोटेटिंग करिए ऐसा ही। रोटेटिंग करिए इसी तरह सभी पॉइंट दोनों पैरों में, मैं आपको एक पैर में करके दिखाता हूं 10-10 सेकंड तीन बार। ये साइनस के पॉइंट है, साइनस के रिफ्लेक्स पॉइंट, साइनस के सांकेतिक दाब बिंदु करेंगे, तीन तीन बार करेंगे 10 सेकंड तीन बार। इसमें साइनस में हमको बहुत राहत मिलेगी, हमें साइनस के रिफ्लेक्स देने हैं और लोकल भी देना है। फिर पॉइंट नंबर सात, रीढ़ की हड्डी का पॉइंट, हम पैर ऐसा रखेंगे साइड में, देखेंगे शेप है यहां से, मैं आपको पैर मोड़ता से, ये जो इतना बड़ा लंबा पॉइंट है, इसको हम देंगे आपको एक प्रेशर लिखा है थंब वॉकिंग प्रेशर। कैसा देंगे, देखिए मैं आपको ये पैर में करके दिखा रहा हूं, दोनों पैर में आपको करना है, देखिए स्ट्रेट प्रेस किया, आगे बढ़ा अंगूठा, अंगूठा हमारा जब थंब वॉकिंग अंगूठा चलना चाहिए ऐसा ही, कितनी बार चलना चाहिए, कम से कम 33 मणके हैं, 33 बार अंगूठा चलना चाहिए, उससे कम नहीं चलना चाहिए। अंगूठा करेंगे तो सभी मणकों के जो दब गए हमारे मणके, तो उसमें उसको राहत मिलती है। अभी आप ये पॉइंट देते रहेंगे तो किसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, कॉकीज में पेन होगा, यहाँ थकावट होगी, ये पॉइंट देने से उसको तुरंत उसको पेशेंट को राहत मिलती रहेगी। तो ये पॉइंट आप खुद भी ले सकते हैं सर थंब वॉकिंग प्रेशर करके, इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, देखिए दोनों डायरेक्शन आप कर सकते हैं थंब वॉकिंग प्रेशर। या प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे आ जाएगा, अंगूठा उठाना नहीं है, वॉक करने है, अंगूठे दबाए स्लो मोशन करके देखो, प्रेस किया आगे किया धक्का मारो आगे लिया, प्रेस किया इसी तरह हम दोनों पैरों में करीबन चार चार पांच बार बार ऐसे पॉइंट का पॉइंट देते रहेंगे तो हमें राहत मिलेगी। अभी अभी हम देखेंगे, गुरुजी ने बताए थे स्टमक के पॉइंट,
स्टमक, स्टमक कहाँ है देखेंगे, हमारे लेफ्ट साइड में है, जो आदमी के लेफ्ट साइड में स्टमक होता है कहाँ है, स्टमक हमारा है कड़क भाग के नीचे, आप देखेंगे आपका चेस्ट है हार्ड भाग है, उसके नीचे सॉफ्ट भाग है, वो हमारा लेफ्ट साइड में स्टमक है। तो वो देखेंगे ना पहला जोन आर वन लाइन से, पहला दूसरा तीसरा चौथा आधा, फिर मुड़ के आर टू लाइन से थोड़ा नीचे आता है, ये हो गया हमारा स्टमक, पेट का पॉइंट, और बीच में मिट्टी का शेप बनाएंगे ना, ये हमारेगी पैंक्रियास, ये होगा स्टमक का पॉइंट, इतना बड़ा स्टमक का पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, स्टमक के लिए एरिया बड़ा है तो हमें भी ज्यादा नकल प्रेशर देना है, स्टमक का पॉइंट देने से पेट में तकलीफ हो, एसिडिटी कुछ भी तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, अपचन हो, इनडाइजेशन, आपको ऐसा राहत मिलेगी। इनको भी सभी पॉइंट आपको 10-10 सेकंड 3 बार देने के, आपको ये पॉइंट करते रहेंगे तो आपको राहत मिलती रहेगी। फिर इसके बीच में ये आता है पेंक्रियास का स्वादुपिंड, पेंक्रियास स्वादुपिंड पेंक्रियास का पॉइंट है ये, गुरु जी आपको कल डिटेल में बताएंगे आपको, मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं, ये भी 10-10 सेकंड 3 बार देने की। अभी हमारा लीवर जो है वो हमारे राइट साइड में, राइट साइड में देखेंगे बाहर के साइड से अंदर की साइड से, तो बाहर की साइड से अपना पांचवा जोन है, कहाँ है हमारा लीवर, आर वन लाइन के नीचे है और वेस्ट लाइन के बीच में है, हमारा लीवर बाहर की साइड से पांचवा जोन, चौथा तीसरा दूसरा और आधा मुड़ के थोड़ा नीचे की तरफ आता है, ये पूरा हमारा लीवर है, और इसके बीच में हम शेप बनाएंगे, वो आ गया गॉल ब्लैडर, ये हमारा लीवर का पॉइंट हो गया। क्यों हमारा लीवर बाहर की साइड, राइट साइड में बाहर की साइड से, इसलिए पांचवा जोन चौथा तीसरा दूरस से स्टार्ट होता है, ये हमारा पूरा लीवर का पॉइंट है और बीच में गॉल ब्लैडर है। अभी हमारा लीवर का जो पॉइंट है वो आधा इंच अंदर है, आधा इंच स्किन से, तलवे से आधा इंच अंदर है, तो हम कौन सा भी प्रेशर देंगे स्टडी या तंबाकू, इसको असर होने वाला नहीं है। तो और एक हमारा प्रेशर आपके उसमें हमने भेजा है, नाम है क्रिस क्रॉस प्रेशर, कैसा देना है, क्रॉसिंग करना है, कल दो थंब वॉकिंग क्रॉसिंग करते रहेंगे ऐसे तरह, जैसे रफू करते हैं ना अलग अलग एरिया में, डबल टाइप थंब वॉकिंग करते रहिए, क्रॉसिंग करते रहिए एक दूसरे से, तो दोनों से थंब वॉकिंग क्रिस क्रॉस प्रेशर देंगे तो अंदर की तरफ उसको प्रेशर मिलेगा लीवर के पॉइंट को, तो आपका लीवर पे जो तकलीफ है एसिडिटी है उसको, तो उसमें बहुत राहत मिलती है। अभी एसिडिटी के लिए कल पूरा गुरुजी बताएंगे लीवर के फंक्शन में, आप पहले पॉइंट देख लीजिए, इसी तरह आपको ऐसा पॉइंट देता रहना है, इसके साथ ही साथ इसमें गॉल ब्लैडर का पॉइंट भी आ जाता है, ये हो गया लीवर का पॉइंट बराबर, और ये साथ में गॉल ब्लैडर का भी करते रहिए, करीबन 10-10 सेकंड एक एक स्टेप 10-10 सेकंड 3-3 बार करेंगे, करीब 1-1.5 मिनट तक लीवर का पॉइंट देंगे तो लीवर की जो तकलीफ है उसमें आपको राहत मिलेंगी। पॉइंट नंबर 12 है सूर्य केंद्र, कैसा है, वो है हमारे डायफ्राम लाइन के बराबर बीच में सेंटर में है, उसका लोकेशन कैसा करेंगे, एक्सक्यूज करेंगे ना, खड्डा आता है, देखो ये खड्डा, खड्डा आता है, ये खड्डे वाला भाग है ना, वो है सोलर प्लेक्स, कैसा देंगे उसको सपोर्ट करके रोटेटिंग प्रेशर देंगे, इसी तरह इसमें दोनों पैर में आता है लीवर का, सॉरी सूर्य केंद्र का पॉइंट, ऐसा एक्सक्यूज करिए, डायफ्राम में खड्डा आएगा, अंगूठा रख के रोटेट करिए अथवा अंगूठा रख के फोल्ड करिए तो भी ऐसे भी आप प्रेशर दे सकते हैं सूर्य केंद्र का पॉइंट। तो हमारा स्टमक है और लेफ्ट साइड में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा आधा जोन, आर टू ग्लैंड थोड़ा नीचे है और बीच में पैंक्रियास भी हमारी लेफ्ट साइड में है, और इसी तरह लीवर जो है हमारा राइट साइड में है, पांचवा चौथा तीसरा दूसरा बाहर से लीवर आता है, बाहर की साइड से हमारे लीवर का पॉइंट है और बीच में आएगा गॉल ब्लैडर पित्ताशय, तो हम और बीच में हमने सूर्य केंद्र बताया, कि आज हम 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो आज 2 घंटे के बाद मैं इसका वीडियो शूट करके आपको क्लोजअप भेजूंगा और आप वीडियो रोज आप रिपीट करके आप खुद के पैर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसा करेंगे, आपको पैर मोड़िए, खुद के पैर आप रखिए और खुद ही सेल्फ ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आपके पैर से, आपके पैर पर आपके हाथ के अंगूठे से करते रहिए, तो आप रोज प्रैक्टिस करिए, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके घर के मेंबर्स को आप ट्राई करके देखिए पॉइंट, आजू बाजू पड़ोस करें तो ये सेल्फ ट्रीटमेंट, इसमें कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, तो ये पॉइंट देने से आपको बहुत सा फायदा मिलेगा। छोटी मोटी बीमारी हमारी है, खास करके स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, स्प्लिट ब्रेस सर्वाइकल, इसमें बहुत आपको राहत मिलेगी, आपको गोली खाने की, पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
और इसी तरह हम पॉइंट देते रहेंगे। अभी आपको मैं रिलैक्सेशन पॉइंट बताता हूँ। रिलैक्सेशन पॉइंट में क्या है, 8 स्टेप्स है। दीपक भाई, पॉइंट करने से क्या होता है हमारा, दीपक भाई हमारे सब पॉइंट। हाँ गुरु जी, वो कल रखेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। परिभाषा का रिविजन करें बिना लक्ष्मी देवी चिरानिया, लक्ष्मी चरानिया बिना बेटिया जी जी गुरु जी जी गुरु जी चिरानिया है। जय भगवान। आवाज नहीं है, आवाज चालू करिए। हुआ ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो आवाज नहीं करिए। आवाज नहीं है, आवाज आवाज नहीं है। गुरु जी तब तक नैना शाह और रश्मि जी को ले 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 नैना शाह को ले ले जी गुरु जी। आप बाद में आइए, बाद में क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ जी, नैना जी को ले लीजिए, नैना शाह जी। नैना जी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, क्या बात है। फिर रश्मि सरदार को लीजिए। रश्मि जी नहीं मिल रही है। है रश्मि सरदार फ्रॉम मुंबई, मुंबई। ये गुरु जी एक का प्रश्न है। नहीं प्रश्न भी नहीं, अच्छा क्योंकि हमनिया का प्रश्न है। हमनिया अभी कोर्स होने दीजिए। नहीं नहीं, किसी को डिप्रेशन है और मेंटल इश्यू, वो भी बाद में आएगा। अच्छा, कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है ना, कोर्स से रिलेटेड कोई लेने का। चलो नहीं होता है। नैना शाह या रश्मि सरदार दोनों नहीं मिल रहे। नहीं गुरु जी, नैना जी तो रिस्पॉन्स नहीं कर रही कुछ तो है। अच्छा, और रश्मि सरदार भी। अच्छा ठीक है, चलो फिर अपने दो लोग अपना प्रतिभाव देने वाले हैं, उसमें हाँ। एक है, आपको नाम दिया है दोनों जी, नीलम पंचाल। नीलम पंचाल जी को मैंने पहले भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बट वो नहीं मिली। अच्छा, दूसरा नाम मैंने दिया था प्रज्ञा जोशी फ्रॉम पुणे जी, मिल गई उनको बता दी। जय भगवान गुरु जी, जय भगवान बाप। हाँ जय भगवान, जय भगवान सबको।
और मुझे ना हिचकी आती रहती थी अधिकतर कई बार दिन में आ जाती थी, तो कल आपने जो फर्स्ट डे बताया था सब वैसा वाला वो मैंने ट्राई किया और एकदम तुरंत मतलब शायद सेकंड में मेरी हिचकी चली गई। मुझे वो फीडबैक शेयर करना था सबके साथ। और साथ में मेरी मम्मी को ना वर्टिगो की इशू है काफी लंबे समय से, और अभी पिछले कुछ दिनों तक भी थी। लॉकडाउन के चलते सब हम घर में थे मार्च महीने से, तो कोई दवाई भी नहीं ऐसी। तो आपने बताया ना वर्टिगो का ये वाला पॉइंट, और सुबह उठके वो तीन काली मिर्ची गाय के घी के साथ, ये दोनों हमने किया और मम्मी को भी काफी रिलीफ मिला। जय भगवान। और आपका कोर्स के बारे में क्या अनुभव बताइए, ऑनलाइन कोर्स के बारे में। कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम पुणे में आप बॉम्बे में हैं, ऑनलाइन आप ले रहे हो करके हमें इतनी सारी नॉलेज, मैं तो रोज नोट डाउन करके लिख लेती हूँ सब मेरी किताब में। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे अपने सब। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मदर एक्चुअली मेरा बेटा है वो सोने की जिद कर रहा है इसलिए उनके साथ बेडरूम में। मैं अच्छे से अटेंड नहीं कर पाती हूँ ध्यान देके। ठीक है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अच्छा अनम्यूट करे तो करो। हेलो गुरुजी, आवाज नहीं आ रहा है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही। हाँ तो नीलम पंचाल मिल रहे हैं? देखो नीलम पंचाल शी इज फ्रॉम बॉम्बे ओनली, और बहुत बड़ी हीरोइन है, नेशनल अवार्ड विनर पिक्चर की। नहीं उनका कोई दूसरा नाम से उन्होंने लॉगिन किया होगा। अच्छा नाम से स्क्रीन पर नाम है, स्क्रीन पर नाम है यहाँ पर स्क्रीन पर दिखती है नैना में दिखती। नहीं मिल रही है? नहीं। अच्छा फिर रश्मि सरदार मिल रही है? रश्मि सरदार फ्रॉम बॉम्बे, वो इंग्लिश में परिभाषा बोलने वाली। हेलो। हाँ जी मैं नीलम पांचाल। हाँ प्लीज आप स्क्रीन पर आइए। जी जय भगवान। आ गए? वाह वाह बहुत अच्छा। हाँ जी जय भगवान जय भगवान। आपको देख नोट कर रही हूँ कब से गुरुजी। वाह बहुत अच्छा। मैं ये अटेंड कर रही हूँ गुरुजी ये वर्कशॉप वेबिनार, मुझे बहुत मजा आ रहा है एंड मुझे खुद को वैसे बहुत इंटरेस्ट है, और आप कितने अच्छे से सिखा रहे हैं तो वो डिटेल में और जानकारी लेने में और मजा आ रहा है एंड यस ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, और आप ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरु जी। अभी आपका परिचय दीजिए थोड़ा सा। अभी मेरी फिलहाल में एक फिल्म आई थी हेलारो, तो इंटायर पूरे इंडिया में नॉट इन रीजनल लेकिन पूरे इंडिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला है हेलारो, और उसमें 12 अभिनेत्रियां हैं उनको भी नेशनल अवार्ड मिला है
सिल्वर लोटस, तो उसमें से मैं हूँ लीला, और स्टार्प्लस की भी बहुत सारी सीरियल की है, हमारी देवरानी, रुक जाना नहीं, इश्क बाज, और ट्रोल, और अभी मेरा एक प्ले चल रहा था भारत भाग्य विजेता, वो भी हमने हिंदी में किया है और राष्ट्रपति में भी परफॉर्म किया है। तो यस, लेकिन हम एक्टर्स की लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, जैसे आपने बताया था कि अगर सुखी जीवन जीना है तो अच्छे से लेनी है और खाना टाइम पे खाना है, हम कितना चाहे लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए ये रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम एक्ट्रेस को बहुत इंटरेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड मराठी सीरियल करते हैं माता नवराची बाई को, और वो आज करके आज है, तो उन्होंने बोला कि चालू कर दिया ये वर्कशॉप, यस नेक्स्ट शो के मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा। बहुत बढ़िया, उनको भी बहुत इंटरेस्ट है, और हम एक्टर्स बहुत बिलीव करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। जी जी, गुरु जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय भगवान, जय भगवान, नमस्ते। ठीक है, अभी वीणा जी, अभी थोड़ा दो चार मिनट टाइम है, कोई आ सकता है? नैना जी अवेलेबल है। अवेलेबल, बोलाइए बोलाइए, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो बीजू कोई नैना शाह, नहीं बंटाली नहीं, नैना शाह नहीं, और रश्मि सरदार भी नहीं लोकेट कर पाती है? अरे एस एच एम आई एस ए आर डी ए आर बड़ी चले नहीं। ठीक है, चलो, तो और कोई प्रश्न है? प्रश्न जो कोर्स से रिलेटेड हो, हर्निया में क्या करने का, अर्थिस में क्या करने का, तो बाद में आएगा, कोई कोर्स से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। अब अच्छा थे क्या लोग? गुरु जी एक सवाल है, लीवर अगर इन्फ्लेम्ड है तो क्या करे? बोलता हूँ ना, सारा आएगा लीवर के बारे में, आजकल ही दिखाया, अभी लीवर के बारे में फंक्शन वगैरह के बारे में कल आएगा, लीवर की अगर खराबी है तो कैसे सुधारना वो वगैरह कल आएगा, तो कृपा करके कल तक सब्र करें। गुरु जी एक सवाल है, पीरियड्स में पॉइंट ले सकते हैं क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा मैं बोलने वाला था, समय के अभाव से, तो सब लोग सुनिए एवरीबॉडी, सवाल एक का है मगर जवाब सबके लिए है। सबसे पहले ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर का कब लेना चाहिए, उसके बजाय कब नहीं लेना चाहिए बताता हूँ मैं, आप समझ लीजिए। एक तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं ले सकते हैं, कम से कम 2.5 घंटे का अवकाश रखना चाहिए, बाकी देख चुके हैं कॉमन है लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए। लेडीज के लिए दो निषेध है, जब भी कोई महिला अपने पीरियड के समय में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उन दिनों में ट्रीटमेंट लेनी नहीं है, वो महिला अगर जानती है तो दूसरे को नहीं देगी, खुद अगर लेना चाहे ले सकती है। वैसा ही जब कोई भी महिला सगर्भा हो, प्रेग्नेंट हो, उस पूरे समय में भी उस महिला ने ट्रीटमेंट खुद पर लेनी नहीं है, किसको देनी नहीं है, मगर खुद जानती है अपने आप तो ले सकती है, बस इतना छोड़ के कभी भी ले सकते हैं, और दिन में एक बार ट्रीटमेंट देना है, ओनली वंस इन ए डे, कभी भी सुबह में शाम को कभी भी, तो इतना करने से डेफिनेटली फायदा होता है, और एक ही बार लेना है, दो बार नहीं लेना है, दिन में एक ही बार, और कई रोगों में काम में आता है, धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर कोई प्रश्न न हो तो आज का पाठ्यक्रम यही हम रोकेंगे, अभी कोई प्रश्न नहीं है ना? एक है, क्या सभी पॉइंट्स 10 सेकंड 3 बार लेने हैं? हाँ, मैंने कल बताया था कि एज ए जनरल प्रिंसिपल 10 सेकंड का 3 बार, कहीं कहीं थोड़ा एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो हम देख चुके हैं, दाढ़ी का पॉइंट जैसे 1.5 मिनट है, ये हिचकी का पॉइंट 20 मिनट्स है, ऐसे कोई कोई अपवाद है, बाकी सब जगह 10 सेकंड का 3 बार याद रखना है। जहां जहां अपवाद होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, नहीं तो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है कि 10 सेकंड का 3 बार। एज फॉर एग्जाम्पल रीढ़ की हड्डी बहुत लंबा पॉइंट है, उसको 2.5 मिनट दबा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत लंबा पॉइंट है, 2.5 मिनट एक पैर में, 2.5 मिनट दूसरे पैर में,
तो डेफिनेटली स्पाइन के जो खराबियां हैं, खराबियां न भी हो तो थकान वगैरह दूर होती है, वो मैं कल बता चुका। ठीक है, और बोलिए जी। और तो कोई वैसे सब एक तो रिपीटेड है और आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आगे आप बताएंगे वैसे पॉइंट। ठीक है, फिर तो आज का पाठ्यक्रम यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। सभी को, सभी हमारी टीम को, आपको विना जी को, करण जी को, सुनील शर्मा एब्सेंट है उनको सबको, और हमारे सारे साथी जो हमें सहायता पहुंचाते हैं उन सबको मैं खासकर अभिवादन देता हूँ, और सारे हमारे पार्टिसिपेंट को भी प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और कल बराबर 7:45 को हम लॉग इन होंगे और कल का आगे का देखेंगे। जय भगवान, जय भगवान गुरु जी।